Welcome to all of you in another video for CRK English. Well, in the previous video we already had learned how to use can. हमने can का use सीखा, right? Can का use हमने कैसे सीखा था? First of all, हमने capability के बारे में बात की. फिर हमने permission लेने या देने के बारे में बात की. उसके बाद हमने help भी मांग ली और request भी कर ली. Fine? So, इस तरह से हमने कैन का यूज सीखा, जिसमें हमने सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पर इसको सीखा था. लाइक जब मैं अपनी कैपेबिलिटी बताती हूँ, तब मैंने आपसे कहा कि आई कैन स्विम, आई सब्जेक्ट, कैन स्विम वर्ब, वर्ब का रूट फॉर्म. फिर अगर मैं कहती हूँ इसी चीज को इन अ डिफरेंट मैनर, लाइक आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ बाइक, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया. ऑब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का रूट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि आई कैन राइड एन एसे. आप सब ऐसे लिखते हैं, राइट? आप भी ऐसे लिखते हैं ना? हिंदी में निबंध लिखते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है. फिर इसी के साथ हमने सीखा कि हम परमिशन कैसे देते हैं. परमिशन देते टाइम भी हमने अफर्मेटिव का यूज किया, लाइक यू कैन नोट डाउन. मैंने आपको परमिशन दी कि आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. यू कैन नोट डाउन, दिस इज माय परमिशन जो मैंने आपको दी. फिर हमने एक और चीज सीखी, वो था परमिशन मांगना या फिर हेल्प मांगना या फिर रिक्वेस्ट करना. तीनों ही सिचुएशन में जब हम इस चीज को पूछते हैं, मांगते हैं, तब हम क्वेश्चन करते हैं. और ऐसे में हमारा सिंटेक्स या हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. लाइक यही कैन सामने हो जाता है और ये सब्जेक्ट पीछे हो जाता है, राइट? ये दोनों अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं. सब्जेक्ट और कैन अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं. कब एक्सचेंज करते हैं? जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं या फिर जिसको हम हेल्प मांगना कह सकते हैं, परमिशन मांगना कह सकते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं, राइट? ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन करते हैं, इंटरोगेटिव. अब सिंटेक्स क्या बनेगा? ये चेंज होके कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रूट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे कि क्या कैन आई यूज योर पेन, योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? कैन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बचा हुआ या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? Can I call you? क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? Right? So ये हमारा परमिशन मांगने का तरीका था. फिर हमने क्या मांगा? हेल्प मांगी. और क्या किया? रिक्वेस्ट की. तब भी हमने क्वेश्चन ही किया, कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी, कैन यू प्लीज राइट अ लेटर फॉर मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू गिव मी सम वॉटर, कैन यू गिव मी सम मनी. ये हमारी रिक्वेस्ट या हेल्प मांगने का तरीका था. सो हमने अभी तक अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सीखा है. आज हम सीखने वाले हैं जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, लाइक हमारी इनकेपेबिलिटी, वो क्या होगी? उसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस. तो आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा यही कैन कांट बन जाएगा. can apostrophe t, ये can
प्लस में है और ये कैंट काउंट या कैंट नेगेटिव में है. लाइक आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती हूं. सब्जेक्ट प्लस कैन अपोस्ट्रोफी टी के साथ, या फिर हम इसको कैन नॉट भी लिख सकते हैं. वेल, कांट और कैंट दोनों ही करेक्ट प्रोनंसिएशन है, बट वी इंडियंस फॉलो द ब्रिटिश प्रोनंसिएशन, सो वी कॉल इट या वी प्रोनाउंस इट कांट. सो सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हमारा रूट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट. मैं क्या नहीं कर सकती हूं? आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती हूं. मैं तैर नहीं सकती हूं. अब ये बात हुई हमारी इनकेपेबिलिटी की. ठीक उसी तरह से इफ आई चेंज इट अबाउट द परमिशन, कि मैं आपको कोई परमिशन नहीं देने वाली हूं, ऐसे सिचुएशन में मैं जब आपको मना करती हूं, यू कांट स्विम, आप तैर नहीं सकते हो. मतलब मैंने आपको तैरने से मना कर दिया, आप तैर नहीं सकते हो. और यू कांट राइट, आप नहीं लिख सकते हो. यू कांट कम इन, जब आप मुझसे क्लास में आने की परमिशन ले रहे हो तब मैं आपको कह सकती हूँ यू कांट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते हो, मैंने आपको परमिशन नहीं दी. सो यहाँ पर हमारी बात हो गई परमिशन के बारे में भी और इनकेपेबिलिटी के बारे में भी. इसके बाद हमने बात की थी हेल्प और रिक्वेस्ट की. वेल, हेल्प और रिक्वेस्ट में हम इसको अग्रेसिवली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं नेगेटिव वे में. और क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट और कांट को हम एक्सचेंज करेंगे. कांट यू कीप क्वाइट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? कांट यू कीप क्वाइट, कांट यू मेक इट फास्ट, क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते हो? कांट यू रन फास्ट, क्या तुम जल्दी नहीं दौड़ सकते हो? इट इज लाइक दैट. हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. सो आज हमने सेंटेंसेस के टाइप सीखे, हमने कैन और कांट सीखा. कांट को हम कैन नॉट भी बोलते हैं, और साथ में हमने ये भी जाना कि अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको कैंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे, है ना. बाय बाय.